दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, हमारा जो युवा साथी है वो आजकल रनिंग प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव इवेंट की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो रनिंग करते टाइम जल्दी थक जाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो रनिंग स्टाइल होता है वो अच्छा नहीं होता, उनमें कुछ कमियां रहती हैं जिस वजह से वो जल्दी थक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रनिंग के टिप्स बताऊंगा जिनको आप अप्लाई करके आप अपनी रनिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, केडी फिटनेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है बॉडी पोस्चर। हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो रनिंग में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। जितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी लॉस होगी उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखिए, जब भी हम रनिंग करते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं, उनका जो बॉडी पोस्चर रहता है रनिंग करते टाइम, उनका ये शोल्डर्स है, शोल्डर झुके हुए रहते हैं आगे की तरफ, और जो चेस्ट रहती है चेस्ट अंदर की तरफ रहती है। तो जब चेस्ट अंदर की तरफ है तो आप खुद ही फील कर सकते हैं, जब भी आप सांस लोगे तो हमारी जो लंग्स की पूरा एक्सपेंड होने की जो कैपेसिटी है वो पूरा उस तक नहीं आ पाता है। तो उतना ब्रीथ हम इनहेल नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होगा, हम कम ब्रीथ लेंगे और हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलेगी। तो जैसे कि हम रनिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दोबारा से जल्दी सांस लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या रहता है, जब भी हम रनिंग करेंगे तो हमारे शोल्डर्स को हल्का सा पीछे रहेंगे, हमारी चेस्ट हल्की सी बाहर रहेगी, तो हम जब भी इनहेल करेंगे तो हमारे चेस्ट फुल एक्सपेंड होंगे और हम मैक्सिमम ब्रीथ इन करेंगे। तो इससे हमें एक बार में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमें दूसरी बार ब्रीथ लेने के लिए जो ऑक्सीजन का जो हमारा टाइमिंग है इनहेल एक्सहेल का, वो बढ़ जाएगा कि आप जल्दी थकेंगे नहीं, आपका जो सांस है वो जल्दी फूलेगी नहीं। एक चीज़ और दोस्तों जो हमारी रनिंग को स्मूथ करता है वो है हमारा बॉडी वेट। तो जब भी हम रनिंग करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉडी वेट का यूज़ करना है। तो रनिंग करते समय हमें हमारे अपर बॉडी को हिप के पास से हल्का सा आगे की तरफ झुका के रखना है, जिससे हमारा बॉडी वेट है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब हम रनिंग करेंगे तो हमें एक एक्सटर्नल पुश मिलता है हमारे बॉडी को रनिंग करते टाइम, जो कि हमारी रनिंग को और स्मूथ बनाता है। बॉडी को आगे की तरफ हल्का सा टिल्ट करते हैं तो आपको चेस्ट के पास से नहीं, आपको अपने हिप के पास से हल्का सा सामने की तरफ झुकाना है बॉडी को। एक चीज़ और दोस्तों जिसको आपके ध्यान में रखना है, जब आप रनिंग करते हैं तो आपका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोग देखते हैं उनका बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है, बॉडी बिल्कुल लूज छोड़ के दौड़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब आप रनिंग करते हैं आपका जो कंट्रोल है बॉडी का आपके ऊपर होना चाहिए अपनी बॉडी पे। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ब्रीथिंग का। हम देखते हैं जो 90% लोग हैं वो जो जब भी रनिंग के टाइम सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, या मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से ही छोड़ते हैं। तो जो रनिंग का जो एक्चुअल ब्रीथिंग प्रोसीजर है वो नाक से सांस लेना और मुंह से सांस छोड़ना। तो आपको जब भी रनिंग करते हैं तो आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़ना है। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो रिदम है वो बहुत जल्दी आप रिदम में आओगे और आप लंबे टाइम तक आप अच्छी रनिंग कर पाओगे। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आर्म मूवमेंट का। तो दोस्तों कहा जाता है कि स्विमिंग पैरों से और रनिंग हाथों से की जाती है। अक्सर हम लोगों को रनिंग करते टाइम देखते हैं कि या तो वो अपना आर्म्स का मूवमेंट करते नहीं है या बिल्कुल कम करते हैं। बट दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारे जो आर्म्स का मूवमेंट है वो हमारी रनिंग स्पीड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जितना अच्छा हमारा आर्म्स मूवमेंट होगा उतना अच्छा हमारी बॉडी को एक एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, उतनी अच्छी हम स्मूथ रनिंग कर पाते हैं, हमें इससे एक्स्ट्रा एक फोर्स मिलता है जिससे हम आराम से अच्छी रनिंग करते हैं, हमारी रनिंग में इससे इम्प्रूवमेंट होता है। तो आर्म मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को अपनी एल्बोज के पास से बैंड करना है, और जब आप रनिंग करते हैं तो अपनी एल्बोज को अपनी बॉडी क्लोज से ले जाते हुए दोनों हाथों को आगे पीछे करना है, जिससे आपकी बॉडी को मोमेंटम मिले। तो इस तरह से जब भी आप रनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आर्म मूवमेंट पे ज़रूर फोकस करें, जिससे आप अच्छी रनिंग और अच्छे स्पीड अपनी रनिंग में लेके आ पाएं। तो दोस्तों हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा स्टेपिंग। जो हम देखते हैं बहुत से लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं, जो वो पैर रखते हैं तो उनका पैर जो है वो सीधा नहीं पड़ता, वो दाएं बाएं या बाहर की साइड किसी का या किसी का अंदर की साइड से, या पैर लेके आते हैं वो साइड से पैर को कैरी करके लेके आते हैं रनिंग करते टाइम। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो कि
सुधारना बहुत ही जरूरी है। तो जब आप रनिंग करते हैं तो आपका जो पैर है, जो फीट आपका, वो बिल्कुल आपका एक आपकी बॉडी की लाइन में पड़ना चाहिए। आपका फीट जो है वो बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका फीट जब दौड़ते हो तो सीधा लाइन में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी रनिंग में कंसिस्टेंसी होनी बहुत ही ज़रूरी है। आप कभी 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर आप स्पीड बढ़ा लिया, फिर 15-20 मीटर स्लो करते हो, थक जाते हो, फिर बढ़ा लेते हो, तो इससे आपकी रनिंग में कंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो आपके जो स्टेप्स हैं वो, दूसरी चीज़ आपको छोटे बड़े नहीं रखने, कुछ स्टेप्स छोटे कुछ स्टेप्स बड़े, तो आपकी जो स्टेपिंग है वो एक फिक्स स्टेपिंग होनी चाहिए। और जब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो उस हिसाब से आप स्टेप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बार बार छोटा बड़ा स्टेप नहीं करना। आपको जो स्टेप की जो आपकी डिस्टेंस है वो एक कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से आपको पैरों की अपने प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, कई बार हम देखते हैं रनिंग करते टाइम बहुत से लोग पेट जकड़ जाता है या उनकी थाइज भर जाती है, जिससे वो आगे दौड़ नहीं पाते हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी थाइज या एब्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो रनिंग में हमारे थाइज और एब्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्कआउट वीडियोज़ मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइज, थैंक यू वेरी मच।